एक्साइटमेंट में, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ हार्ड वर्क एंड फुल ऑफ लव के साथ नज़र आने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें एक पहली बार 70-75 दिन एक ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्योंकि हमें हाईएस्ट काम करने का जो मौका मिला फिल्मों में वो 40 दिन से ऊपर नहीं मिला था एक फिल्म में। ये पहली फिल्म है जिसमें एक तो सुख था कि ये सेंट्रल रोल है, और दूसरा सुख था कि सबसे ज़्यादा डेज हमारे चाहिए इस फिल्म के लिए, तो दैट वॉज वेरी गुड फॉर मी। एक किरदार एक सर्वाइवल है, उसको बोले जहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान है, जहाँ पे समाज में थोड़ी सी प्रतिष्ठा भी हो जाए, वाइफ से प्यार भी मिल जाए, छोटी छोटी चीज़ों में एक आदमी दुनिया खोजता है जिसमें थोड़ा कुछ खाने को मिले, घूमने को मिले, कुछ बैठने को मिले, और उसी के चक्कर में आदमी कुछ ना सोच के उस चीज़ के पीछे भागता है जिसमें उसको सर्वाइव करने का मौका मिले। फिल्म भी प्रेयर फॉर रेन एक सर्वाइवल की कहानी। तो 2005 में एक्चुअली एक ईमेल आया था लंदन से कि हम लोग भोपाल गैस ट्रेजडी पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए 8-10 अभिनेता जो है वो कंसिडरेशन में है, तो यू आर वन ऑफ देम। तो फिर मैं मिला और जब स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उधर से ईमेल आया कि ये दिलीप जो है वो आपके लिए फाइनल है। और फिर जो काल पेन वाला रोल है उसके लिए सर्च चली, और लास्ट में काल पेन ने किया वो, और ऐसे फिल्म मिली है। फिर इसका 5 साल तो खाली इसमें 14-15 ड्राफ्ट बने, फिर परमिशन और ये, और फिर पूरा सेटअप बनने, और उन लोगों ने बहुत टाइम टेकिंग जॉब किया, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं उन लोगों के अंदर, क्योंकि 11-11 ऑस्कर नॉमिनी काम कर रहे थे, तो उनसे अपन क्वेश्चन भी नहीं रख सकते कि क्या बनाना चाहते हो, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी। तो मैं एक स्टूडेंट की तरह उनके सामने काम कर रहा था, कुछ इंडियन एक्टर्स हमारे विनीत कुमार जी और बहुत सारे लोग हैं, और हमारी वाइफ जिसमें तनिष्ठा चटर्जी, जिसने जो शी इज़ पास आउट फ्रॉम नेशनल स्लो ड्रामा, और वो आई थिंक बड़ा सौभाग्य है कि तनिष्ठा के जो है वो पत्नी का रोल कर रहे हैं। मज़ा आया बहुत। नहीं 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 डर तो बचपन से ही नहीं होता है किसी चीज़ में, क्योंकि जिसको बनना है उसको रोक कौन सकता है, और जिसको नहीं बनना है तो चाहे 10 गुना पैसा लगा दो उसको रिलीज़ कौन कर सकता है। तो हम इन चीज़ों में तो नाटक थिएटर मंच सब चीज़ों, तो इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ। कोई फिल्म अपनी तरफ से काम है कि जो जो अपॉर्चुनिटी मिले उसका बेस्ट यूज़ करना बस। It was wonderful experience with them because they are so humble, they are very good human being, they treat us like, they were treating like they are not bigger, yeah, they are not belonging from Hollywood, we are not working, you know, like I am working with you, you are working with me, no, there is no theory at all, we are all working each other, that's a theory, then nobody is a spot boy, nobody is a director, everybody is the same, and we have a spirit, live like a king and walk like a laborer. So wo spirit dekhne ka jo mauka mila, that was wonderful for me, aur main I love this type of energy, this type of you know passion, jisme samne wale ko dekh ke apne andar ur jaye, wo hamesha acha lagta. हमारा किंगलियर हमने किया था, तो बोझना मैम एंड बहुत सारे लगभग अलग अलग अमेरिकन, ब्रिटिश और पोलैंड के अलग अलग फॉरेनर्स टीचर्स के साथ भी काम किया इंस्टीट्यूट के दौरान। तो वो खैर, आई लव कम्युनिकेशन, आई डोंट वरी अबाउट व्हाट इज बॉदरेशन अबाउट योर व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर नॉट स्पीकिंग, बट व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग दैट शुड बी। तो वो ही करके आई वॉज वेरी हैप्पी, आई हैड वेरी गुड फन। इनके सिस्टम, इनकी पंक्चुअलिटी में बहुत ऊर्जा है और बड़ी पॉजिटिविटी है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैसे कैमरा और मशीनें और लाइट्स वो तो हम जो हॉलीवुड में वही बॉलीवुड में, लेकिन उनका फोकस और उनका डेडिकेशन पैशन उनकी पंक्चुअलिटी में थोड़ी एनर्जी कहीं ज़्यादा है कि वो एक मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करते, ये उनकी बड़ी क्वालिटी है। ये बहुत कुछ सीखने को मौका, टाइमिंग, जैसे सप्ताह में 5 दिन शूटिंग करी, 2 दिन शूटिंग नहीं करनी है, तो एवरीबडी इज़ हैविंग फन। तो काम के टाइम काम और घूमने के टाइम घूमना, दे नो वेरी क्लियरली। ये भोपाल प्रेयर फॉर रेन के आने के बाद ये ट्रायो पूरा हो जाता है, क्योंकि ट्रायो एक कॉमन मैन के 3 रूप, वो चाहे माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मैं, मेरी पत्नी और वो,
और भोपाल प्रेयर फॉर रेन, ये कंप्लीट हम कह सकते हैं कि राजपाल यादव का ये एक कॉमन मैन का ट्रायो है। नहीं कोई व्यक्तित्व के रूप में कोई बदलाव नहीं, काम के रूप में 100% एक नई जिम्मेदारी, नई ऊर्जा, और अभी तक एक कॉमेडियन के रूप में या गेस्ट अपीयरेंस के रूप में 10-5 सीन जो भी मिला उसको लीड रोल से कम इज्जत से नहीं किया, लीड रोल की तरह ही किया। लेकिन 100% एक 10 साल का बॉलीवुड सिनेमा कॉमर्शियल धकड़ पकड़, एक कॉमिक, एक कॉमेडियन के रूप में, लेकिन ये जो दशक है प्रेयर फॉर रेन से शुरू हुआ है तो 100% इसमें जो कैरेक्टर हमारे पास में है, जिसमें 10-12 फिल्में बॉलीवुड की हैं, जिसमें हॉलीवुड और जिसमें लगभग जैसे तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी और बंगाली, लगभग 9 फिल्म इंडस्ट्री में हमें जुड़ने का मौका मिला है। बस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, मुझे नहीं मालूम क्या होगी लेंथ, लेकिन 100% कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, और वही एक एक्टर की स्ट्रेंथ होती है जिसमें कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को जीने का मौका मिला है।